जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो ये बात जान के आप सभी लोगों को खुशी होगी कि 25 जिलों के लिए लड़कों के लिए भर्ती आ चुकी है, और वो भी 3 पोस्ट पे। जी हाँ, तो चलिए आज हम बने हैं इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एन आई सी डॉट इन पे। यहाँ से आप सभी 25 जिलों के लड़के, जितने भी भारत के लड़के हैं, वो अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए इंडियन आर्मी में, जो भी भर्ती देख रहे हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी बताऊंगा। तो फिलहाल में जो ये 25 जिलों के लिए 3 पोस्ट आई हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ऑनलाइन की डेट दिखाऊंगा, रैली कब से है वो भी बताऊंगा। इस महीने के अगले महीने के बाद रैली है, और इस महीने से अगले महीने तक अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, और आज है 15 मई। ठीक है, आज क्या है, 15 मई है। ठीक है, रैली, स्पोर्ट भर्ती, रिलेशन भर्ती, साथ ही साथ फिजिकल, मेड, मेडिकल एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। सब्सक्राइब का रेड कलर का आइकॉन दिख रहा होगा बटन, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आप भी डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। कॉर्नर में बेल आइकॉन बनेगा, उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे जो 3 नोटिफिकेशन जारी हुई है 25 जिलों को भर्ती को लेकर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसमें 3 पोस्ट कौन कौन सी है 2500 जिलों के लड़कों के लिए। पहली पोस्ट यहाँ पे सोल्जर क्लर्क की निकल के आई है, स्टोर कीपर टेक्निकल की। ठीक है, और यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट एनए एएमसी एनए विट की निकल के आई है, और यहाँ पे स्पोई फार्मा। ठीक है, यहाँ पे डी फार्मा और यहाँ पे बी फार्मा वालों के लिए पोस्ट निकल के आई है। ये 3 जो पोस्ट हैं, सिर्फ यही 3 पोस्ट टोटल 25 जिलों के लड़कों के लिए निकल के आई हैं, और मैं आपके 2500 जिलों के नाम बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी उस जिले से बिलोंग करते हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो, यानी इसका फॉर्म अप्लाई आप भारत के नागरिक हो तो आराम से कर सकते हो। पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए, फिर जिलों के नाम देख लीजिएगा, उसके बाद क्या प्रोसेस है वो देख लीजिएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी में आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, सोल्जर क्लर्क के लिए वही एलिजिबिलिटी है, कम से कम हाइट 1.62 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और 17.5 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, वेट का कोई कंफर्म नहीं है, चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना है। अगर आप 12th इंटरमीडिएट पास हैं इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से पास हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आपके 60% नंबर होना अनिवार्य है। ठीक है, और मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% श्योरिंग आपके मार्क्स होना जरूरी है, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% होना जरूरी है, और मैथ में। ठीक है, और इनमें से अगर मैथ नहीं है तो अकाउंटेंट, बुक कीपिंग इन क्लास 12th होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप क्लर्क के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल की देख लेते हैं, वही 17.5 से 23। ठीक है, 1.70 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, 77 सेंटीमीटर चेस्ट, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाना। इसमें कह रहा आप इंटरमीडिएट पास हो, ठीक है, इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक है, अगर आप बायो से हो फिर भी हो जाएगा, फिर साइंस से हो, मैथ से हो फिर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा इंग्लिश, यहाँ पे कह रहा मिनिमम आपके टोटल 50% होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में आपका 40% अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो लड़के 12th पास है इंटरमीडिएट से इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बटोनी जूलॉजी एंड इंग्लिश विथ मीन, यहाँ पे 40% उसके लिए भी हर सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। ठीक है, अब एस फार्मा डी फार्मा वालों के लिए क्या है वो देख लीजिए। ये यहाँ पे एज में उनके 19 से 25 साल तक देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और यहाँ पे 1.70 सेंटीमीटर हाइट मांग दिया है इसमें। ठीक है, और इसमें भी 1.70 सेंटीमीटर हाइट था, उसमें 1.62 था। ठीक है, यहाँ पे 12th आप पास हो, ठीक है, और पास विथ इक्वलेंट इन डी फार्मा विथ मिनिमम आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विल बी स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इंक्लूडेड बी फार्मा विथ 50, अगर बी फार्मा है तो 50% होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग बाय द द्वारा, मतलब जो भी आप फार्मेसी कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट द्वारा आपने मान्यता प्राप्त द्वारा पढ़ाई की है तो उसमें से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि आपको एस फार्मा बी फार्मा वाले के लिए थी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे टेक्निकल क्लर्क। और चलिए जिलों का नाम बता देता हूँ फटाक से, कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिला नोट करना अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 14 मई से। ठीक है, क्या 14 मई से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 27 जून तक ऑनलाइन चलेगा।
ठीक है 27 जून तक ऑनलाइन चलेगा, 11 जून से ठीक है 2 अगस्त के बीच में इसकी भर्ती कराई जाएगी, ठीक है 11 जून से 2 अगस्त के बीच में इसकी दौड़ कराई जाएगी। और चलिए अब देख लेते हैं आगे, क्या एनी कैंडिडेट, अगर कोई भी कैंडिडेट फॉर्म सही से सबमिट नहीं करता है तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और डेट ऑफ वेन्यू चेंज भी हो सकती है COVID-19 के मतलब मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। चलिए यहाँ पे फटाक से आप जिलों का नाम देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं एक एक करके सारे जिले दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले ऑल एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ दुर्गा, ठीक है धुंध, यहाँ पे देख सकते हैं DUNGAR धुंधपुर, ठीक है ये बंसवारा, ठीक है सिरोही, ठीक है आप अपना इसमें देखिएगा मैच करिएगा, ठीक है टेढ़े मेढ़े नाम है तो आप मैच कर लीजिएगा क्या आपका डिस्ट्रिक्ट मैच हो रहा है, ठीक है उदयपुर, ठीक है यहाँ पे प्रतापगढ़, ठीक है पाली, ठीक है जलोर, ठीक है बरम, ठीक है जोधपुर, ठीक है नागौर, ठीक है जैसलमेर, ठीक है यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट हो गए। चलिए आगे के कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ के, अभी ये डिस्ट्रिक्ट देखिए, ठीक है इन डिस्ट्रिक्ट में भी सेम भर्ती है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट ऑफ हनुमानगढ़, ठीक है बीकानेर, ठीक है श्री गंगानगर, ठीक है जमुनानगर, ठीक है और चूर CHURU चूरू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर और डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए जहाँ पे सेम भर्ती है, ठीक है चलिए ये भी एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ जयपुर शिखर टोंक TONK टोंक, यहाँ के 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। फिर से और डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए जहाँ के लड़के इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ धौलापुर, ठीक है करौली KARAULA करौली, ठीक है सवाई माधेपुर, ठीक है दौसा DAUSA दौसा, ठीक है और अलवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है यहाँ तक मैंने आपको टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट बताए हैं और ये राजस्थान के आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर यहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो आप भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है और अब तक इन आसपास के आपके दोस्तों को नहीं पता है तो ये वीडियो शेयर करिए उन दोस्तों में, ठीक है ताकि सभी लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारे चैनल द्वारा। और कोई पर्सनली आप लोग को क्वेश्चन पूछना है या बात करना है या नंबर लेना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे सिंपली हमें फॉलो करके मैसेज कर दोगे तो वहाँ से आप हमारा नंबर लेके हमसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यूजर आईडी RAKESHSY2 नंबर में 2 R स्मॉल है RAKESHSY2 इंस्टाग्राम पे सर्च करके आप फॉलो करेंगे तो मैसेज का ऑप्शन दे देगा वहाँ पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगी हो सारी बातें समझ में आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए जेन्युइन क्वेश्चन और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हर इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाते रहें टाइम टू टाइम। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।